वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? पहले समझो फिर लिखना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वैसे क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ द या हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। बट अकॉर्डिंग टू WHO, WHO कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट इज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियोरल एंड सोशल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। वो क्या सोचता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में? एक वो होती है ना, मीन्स हम जो है, हम बात करें कि एक उसके, दिस फीमेल इज प्रेग्नेंट, दिस इज 3 months प्रेग्नेंट, 6 months प्रेग्नेंट, इसके क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इनिशियली है ना, आजकल तो घर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बट पहले टाइम में, आज से यू कैन से दैट 30-35 साल पहले की बात अगर हम करें, तो वो कहते थे नहीं, ये सिर्फ फीमेल्स का मामला है, ये मेल्स नहीं इसके बारे में बात कर सकते, वन कैन नॉट डिस्कस दीज विद मेल, है ना। एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक फीमेल ही होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो मेल्स भी गायनेकोलॉजिस्ट है, PGI में जाओ चंडीगढ़ में, बहुत सारे मेल डॉक्टर्स है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज यू नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके साथ हम ये कहते हैं कि इतना हम सौतेला भी, हमारे बिहेवियर क्यों होता है, स्टेप बिहेवियर क्यों है। इफ वी कैन टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफ वी कैन टॉक अबाउट यू नो अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन व्हाई कांट वी टॉक अबाउट अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो दिस इज द बिहेवियोरल एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। We don't talk about menstrual cycle of females among people. कि मेरी बेटी को जो है ना menstrual phase शुरू हो गया है, या she is in menstrual time this time. No, है ना? Girls are fearful of that. Yeah, they feel ashamed. Why this? This is the, you know, ये तो बहुत essential चीज है menstrual cycle. किसी को देर से आता है, किसी को नहीं आता है, that is something abnormal. And these are not the things made by us. These are the processes given by the nature. So what is the harm in discussing that? So these are the behavioral aspects of reproductive health, right? So physical, emotional, behavioral and social health of a person and its reproductive organs, that is called as reproductive health, right? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं जो बुक में लिखा है वो तो हम बताएंगे, दिस इज माई पर्सनल व्यू, कि एक तो किसी को भी इससे, एक तो जो मदर्स है दे टीच, आजकल हम क्या करते हैं अपनी डॉटर्स को तो बता देते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन होती है, ऐसे मेंस्ट्रुअल फेजेस है, ऐसे है, ये है। बट व्हाट अबाउट बॉयज? उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, उनमें भी प्यूबर्टी है, उनमें भी हार्मोनल सर्ज होता है, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन, तब वो बेचारे ये सोचते हैं हम करें क्या। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू गाइड देयर चिल्ड्रन अबाउट एडोलेसेंस, राइट? ठीक है, तो ये जो है, ये हमारी नेचर की, ये हमारी सोसाइटी में, ये हमारे पेरेंट्स को, ये हमारे टीचर्स को, हमारे एडोलेसेंट बच्चों को समझाना चाहिए कि ये एक हार्मोनल, फिर वो क्या करते हैं, आजकल नेट से भी बच्चे हैं, ठीक है, गूगल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, और हर कुछ, यू नो यू कांट गेट एवरी आंसर बाय गूगलिंग, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर फर्स्ट हैंड बच्चों को नॉलेज मिले, टीचर्स से, पेरेंट्स से, डॉक्टर्स से, बड़े भाई बहनों से, तो दैट इज मोर बेटर देन बाय सिंपल गूगलिंग या बाय नेट, राइट? क्योंकि नेट पे एक चीज डालोगे तुम सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, तो इतना गंदमंद, इतना सारी चीजें आ जाती है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब दुनिया भर का बेकार की चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेगी, और वो प्रॉपर हेल्थ तुम्हें नहीं पता चलेगी। इज इट राइट? ठीक है जी, तो सबसे पहले तो बच्चों के सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपर ग्रो होने चाहिए, प्रॉपर टाइम पे मेच्योर होके प्रॉपर हाइजेनिकली उनको रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच द पीपल डोंट टॉक अबाउट। जब उनमें फंगल इंफेक्शन होती है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होती है, ल्यूकोरिया होता है फीमेल में, तब हम डॉक्टर्स के धक्के खाते हैं। हम क्यों नहीं बच्चों को पहले बताते
यू हैव टू वॉश योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेरी क्लीनली, यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर टू योर लेग पैड्स सो दैट देयर इज, आजकल हम क्या सुन रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस क्यों है, क्योंकि मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर रहेगा जहां पे गर्मी रहेगी वहां पे म्यूकर माइकोसिस नहीं, वहां पे और कोई फंगल ग्रोथ होगी, फिर प्रॉब्लम होंगी। तो ये हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक, है ना, अपने जो अंडरगार्मेंट्स है वो क्लीन होने चाहिए, यू शुड चेंज इट ट्वाइस इन अ डे, राइट, दे शुड बी ऑफ द कॉटन, दे शुड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। उसके बाद यू शुड अप्लाई सम यू नो ऑयल टू योर लेग पेड्स ताकि बहुत ज्यादा पानी ना वहां पे हो, आप कहेंगे ऑयल चिपचिपा होता है, नहीं, थोड़ा सा ऑयल लेके आपको जरूर अप्लाई करना है ताकि वहां पे मॉइस्ट फ्रिक्शन ना हो, और ऑयल जो है वो पानी को भी दूर रखता है, राइट। तो ये सब चीजें पेरेंट्स को, टीचर्स को बतानी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है हमें सेवंथ एट्थ में, ऑल दो आप सबने पढ़ा है, सेवंथ एट्थ क्लास में आई थिंक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसे ही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑल दैट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर है एट्थ में, बट जनरली टीचर्स स्किप दैट चैप्टर। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है वो कहते हैं हमें ये चैप्टर करवाया ही नहीं गया, व्हाई नॉट, क्यों, मैं तो अगर एट्थ क्लास को पढ़ाती हूँ, सेवन्थ क्लास को पढ़ाती हूँ, मैं तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ाती हूँ ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म हो। क्या क्यूरियोसिटी है, ये कुछ भी नहीं है, जैसे बाकी के ऑर्गन्स ऐसे ये ऑर्गन्स, क्यों नहीं बच्चों को बताना, क्यों नहीं। अगर हम इंसुलिन के बारे में बता रहे हैं बच्चे को तो हम टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बारे में क्यों नहीं बता रहे, विच आर मच एसेंशियल देन इंसुलिन, राइट। तो ये सब चीजें हमें एक हेल्दी सोसाइटी के लिए चाहिए। और सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिकली पेरेंट्स का मैक्सिमम काम है वो है अपने बच्चों को एटलीस्ट कैसे किसी, जब हम मच्योर हो रहे हैं, एडोलेसेंस एज में आ रहे, प्यूबर्टी है, तो हमें कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, हमने जो वो सेक्सुअल सर्ज है उसको कैसे, हमने एक्सरसाइज, हमने गेम्स, हमने किसी और वर्क से उसको, क्योंकि बेटा देखो एक प्लांट है, प्लांट ग्रो कर गया, उसका साइज बड़ा हो गया, सब कुछ है, बट एकदम उसमें फूल नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि उसका भी एक रिप्रोडक्टिव एज का एक टाइम होता है। हम कहते हैं ग्रो हो गया, दो साल हो गए, तीन साल हो गया, अब इसमें फूल आ जाने चाहिए, नहीं, एक जब तक वो अंदर से तैयार नहीं होगा, जब तक उसके अंदर स्टोर्ड फूड नहीं होगा तब तक वो फूल नहीं बनाते, ठीक है। फ्लावर्स बन गए तो फिर एकदम तो नहीं ना फल बनते, एकदम नहीं रिप्रोडक्शन होती, पहले क्या होता है, पहले फ्लावर बड बनती है, फिर धीरे धीरे फ्लावर खिलता है, फिर पॉलिनेशन होके फर्टिलाइजेशन होती है, वो भी एक टाइम होता है, राइट। तो इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है, ऑल्दो आजकल प्यूबर्टी बच्चों में जल्दी आने लग पड़ी है, नहीं तो पहले हम कहते थे 12 to 14 ईयर्स, अब हमारी एज होगी 10 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है, बच्चे ठीक है, मेल्स में स्पर्म्स बनने शुरू हो गए, फीमेल्स में एग्स बनने शुरू हो गए, बट दे स्टिल, उनकी बॉडी, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हुए है बट बॉडी अभी मैच्योर नहीं हुई है फॉर कॉपुलेशन एंड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्यों पहले मेटरनल जो मोर्टेलिटी रेट बहुत होता था, क्योंकि छोटी छोटी एज में शादियां हो जाती थी, और जैसे ही प्यूबर्टी आती थी साथ ही बच्चे होने शुरू हो जाते थे, मदर्स बेचारी मर जाती थी क्योंकि उनकी बॉडी में उतने न्यूट्रिएंट्स स्टोर ही नहीं हुए हैं, फिर आगे जो बच्चे थे वो भी कमजोर होते थे, है ना, 5-6 बच्चे होते थे 3-4 मर जाते थे, या 8-10 बच्चे होते थे काफी सारे मर जाते थे। तो दिस इज ओनली बिकॉज मदर की बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं स्टोर हुए, जो बच्चा हो रहा है, जो उनके अंदर बन रहा है बच्चा, उसने थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ना बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिले ना मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन आई, तो मदर भी वीक, बच्चा भी वीक। तो इसलिए ये नहीं कि अब जो है, जो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले लोग या कुछ आज भी सोसाइटी में कहते हैं कि 13-14 साल में जब बच्चा जो है मैच्योर हो गया तो भगवान ने कह दिया कि अब ये बच्चे पैदा करो, नो, नेचर हैज नॉट सेड दैट, नेचर कहती है इसको टाइम दो, इसको पकने का टाइम दो, इसको मैच्योर होने का टाइम, पहले उसने थोड़े से मैच्योर किए 14 साल, फिर वो कहते हैं अभी इसको यू नो
इसको इस चीज से हम कहते हैं कि भी ये बॉडी को पता चलना चाहिए कि अब मैच्योरिटी आ रही है, अब यूट्रस तैयार हो रही है, अब मेल स्पेनिक तैयार हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो इसलिए हमने हमारे मसल्स उस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, ठीक है, यूट्रस के मसल्स वैसे तैयार हो रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम, दैट इज वाई मैरिजेबल एज हमने रखी है 18 फॉर फीमेल्स, ऑल्दो स्टिल इट इज वेरी लो, है ना, कम से कम 21 साल फीमेल की एज होनी चाहिए ताकि वो दिमाग से भी तो तैयार हो मदर बनने के लिए, राइट? तो ये चीजें हमें बच्चे को बतानी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि जो हम अपने आप को छोड़ देते हैं कि कुछ भी करें, ये नहीं, हमने अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से अपने जो चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके एक तरफ लग, राइट? सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने लड़कों को ये समझाना शुरू कर दें कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है, देन आई थिंक जो क्राइम्स होते हैं वो होने बंद होते, क्योंकि हम लड़कों को बताते ही नहीं है कि क्या चीज, हमने अपने सेक्सुअल अर्ज को, हमने अपने टेस्टोस्टेरोन अर्ज को कैसे कंट्रोल करना है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, राइट? तो यही मकसद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि हमारी एक तो सेक्सुअल क्राइम्स जो है, एक मैरिजेस प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एज पे बच्चे होने चाहिए ताकि मदर एंड फीटल दोनों हेल्दी हो, तीसरा अनलिमिटेड बच्चे नहीं होने चाहिए, बिकॉज पहले क्या कहते थे, या बहुत सारे लोग आज भी क्या कहते हैं, जितने लोग हैं उतने कमाई करेंगे, या बच्चे तो भगवान का रूप है, बच्चे आए हैं तो भगवान इन्हें रोटी भी देगा, देखा नेचर ने हमें दिमाग दे दिया, हमने उसके हिसाब से काम कर लिया, अगर हम सब कुछ नेचर लिया तो सब कुछ छोड़ दो, फिर नेचर क्या करेगी, फिर वो महाभारत का युद्ध जैसे हुआ था ना वैसे करेगी, महाभारत जो है वो आई डोंट नो इज इट इट इज एन एपिक और ए ट्रू स्टोरी, बट जो महाभारत शुरू होती है, गीता शुरू होती है, तो उस टाइम में सबसे पहले लिखा गया कि गीता की महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि द पॉपुलेशन वॉज अनकंट्रोल्ड एट दैट टाइम, इतनी पॉपुलेशन हो गई कि नेचर को अपना काम करना पड़ा, ठीक है, नेचर ने महाभारत किया और महाभारत में पता नहीं करोड़ों लोग मर गए, ठीक है, फिर नेचर बैलेंस हो गई, तो इफ वी वॉन्ट दिस कि नेचर हमें बैलेंस करे, फिर नेचर जब हमें बैलेंस करने आएगी, फिर तो वो कोरोना जैसे वायरसेस, फिर वो जैसे अब साइक्लोन थोड़ा सा ही था बट वो भीषण बहुत डेंजरस साइक्लोन्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉर्स होगी, फिर नेचर खुद बैलेंस कर लेगी, तो इससे अच्छा है कि हम उससे पहले ही पॉपुलेशन को बैलेंस करें, राइट? सो दीज आर, वो कैसे करेंगे, वो लोगों को अवेयर करके, बहुत अवेयर करना पड़ता है, बहुत सारा उनको एजुकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद भी वो कहते हैं तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, हमें नहीं पता क्या करना है हमने क्या नहीं, बट स्टिल वन डोंट हैव टू लूज होप, कोई भी आपके घर में कोई काम वाली है, ऑल्दो चंडीगढ़ में तो बहुत एडवांस्ड हमारी जो मेड्स है, दे आर यू नो दे आर टू स्मार्ट, अब वो उनके पास नहीं, उनके एक से दूसरे बच्चे नहीं होते है ना, वो भी अब यहाँ पे चंडीगढ़ में रह के समझ गए अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट इन विलेजेस देर आर स्टिल द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो हमें जाकर कहीं भी हमें मौका मिले तो जरूर लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है जी? तो पहले आप ये लिख लीजिए कि इंडिया में 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ, कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, प्लान योर फैमिली, कि भी कैसे कितने हमने बच्चे करने हैं, दो बच्चे हमने करने हैं, उनमें कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था हम दो हमारे दो, ठीक है, दो बच्चे और दोनों बच्चों में गैप कम से कम, पहला स्कूल जाने लगे तब दूसरा बच्चा होना चाहिए, राइट? देन देयर इज ए प्रोग्राम दैट इज RCH, RCH का क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट? तो मेजर टास्क क्या है कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए, ये मेजर टास्क है जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, पहले ये नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पहले तो हम, चलो ये लिख लो टॉपिक आगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो बेटा सबसे पहले रीजंस फॉर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले आ जाता है बेटा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मोर रिसोर्सेस हमने ज्यादा यूज करने शुरू कर दिए। थर्ड है डिक्रीज्ड रेट ऑफ mortality due to better, ये हम कह रहे हैं। बाकी वैसे कोरोना ने सारी हेल्थ, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो सबको एक्सपोज किया है, ठीक है। कि भी जितनी हम कहते थे कि इटली में बहुत सबसे बेस्ट जो है हेल्थ केयर है, बट वहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स हुई ड्यूरिंग फर्स्ट, यू नो फर्स्ट जो वेव आई थी कोरोना की, कोविड की। तो बट चलो हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो डिक्रीज रेट ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, सो ऑल ड्यू टू दिस देयर इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वर्ल्ड population at start of 1900 means 20th century mein population kitni thi, it is 2 billion। 2 billion ka matlab hota hai, haan ji kitni ho jati hai, it is 2000 million। uske baad वर्ल्ड पॉपुलेशन एट स्टार्ट ऑफ 2000, 21st सेंचुरी में इट इज 6 billion, 6000 million। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन एट 2011, 2011 में कितनी हो गई, 7.2 billion। बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में तो जो है 1900 में, नॉट 1900, 1947 में अबाउट 350 million population। उसके बाद then it is in 2000 approximately 1 billion हो गई। अब आप देखो इतना बड़ा, you know, इतनी बड़ी अर्थ है, इतने सारे countries है, उनकी पॉपुलेशन मिलके कितनी थी, 6 बिलियन।
और उसमें से 1 बिलियन इंडिया की हो गई, ठीक है। एंड 2011 में क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, इतनी पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस हो गई, ठीक है। और इंडिया में भी या वर्ल्ड में भी रीजन वही है, डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको हम बोलते हैं MMR, और एंड डिक्रीज्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। दिस इज IMR, ठीक है। और इंडिया में और क्या रीजन है, एडिशनल रीजन, एडिशनली देयर आर मोर ऑफ यंग पीपल रीचिंग एट मैरिजेबल एज, देन ओल्ड पीपल। अगर आप यूरोप में कभी घूमने जाओ ना बेटा, तो वहां पे देखना, मैं गई तो नहीं बट मैंने सुना ही है कि वहां पे आपको बहुत सारे बूढ़े ही बूढ़े दिखते हैं, बहुत सारे ओल्ड पीपल दिखते हैं, बच्चे बहुत कम दिखते हैं। तो इसलिए वहां पे पॉपुलेशन कैसी है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको ग्रोथ पिरामिड्स बताऊंगी कि वहां पे बहुत ओल्ड पीपल है, जो नीचे जो यंग पीपल है वो भी कम है और बच्चे भी बहुत कम है, इसलिए वहां पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। कहां की स्टेबल पॉपुलेशन होती है, वेयर द चिल्ड्रन एंड द यू नो यंग पीपल दे आर ऑफ सेम नंबर, बट हमारे में क्या है, चिल्ड्रन बहुत है, फिर उससे थोड़े कम यंग पीपल है और फिर बहुत कम ओल्ड पीपल है। सो जब ऐसे पिरामिड हो, टिपिकल पिरामिड हो, देन इट इज यू नो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो इंडिया में अभी भी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है बिकॉज देयर आर मेनी चिल्ड्रन एंड देयर आर मेनी यू नो यंग पीपल एज कंपेयर टू द ओल्ड पीपल, इज इट ओके। सो दिस इज अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, पहले ये नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। करना है तो नाउ द टॉपिक इज बर्थ कंट्रोल, भी कैसे किया जाए, तभी तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, राइट। तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस टू मैरिजेस बिटवीन गर्ल्स ऑफ 18 इयर्स, मैरिजेस बिलो girls of 18 years and boys of 21 years. हमें लगता है कि ऐसे कहाँ होता है कि 18 साल की लड़की की शादी होगी 21 साल के लड़के की, शहरों में नहीं है, बड़ी जगहों पे नहीं है, बट विलेजेस में अभी भी यही होता है।
सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स? एक होती है कंसेप्शन, ठीक है, कंसेप्शन होता है कंसीव करना, जाइगोट बनना, प्रेगनेंसी होना, दैट इज कंसेप्शन. सो कॉन्ट्रासेप्टिव, दीज आर द वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन. समझना है पहले आपने, और यू कैन से प्रेगनेंसी. भी क्या मेजर्स है, ठीक है जी. तो व्हाट आर द, यू नो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो हम मेजर यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट कंसेप्शन, इनको हम कह देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो वो कौन सी होनी चाहिए, क्या उसमें क्या रिक्वायरमेंट, क्या खासियत होनी चाहिए उसमें? फर्स्ट है, दे शुड बी यूजर फ्रेंडली. इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करके जो यूजर है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उसको कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसको कोई पेन नहीं होनी चाहिए. तो दे शुड बी यूजर फ्रेंडली. सेकेंड है, दे शुड बी इजीली अवेलेबल. ऐसे नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, सिर्फ पर्टिकुलर स्टोर्स में ही मिलेगा, नहीं, दे शुड बी इजीली अवेलेबल. थर्ड है, इफेक्टिव. ऐसा नहीं कि यूज कर लिया तब भी कंसीव हो गए, तब भी कंसीव हो गया बच्चा. तो अगर इनको यूज करके अगर श्योरिटी ना हो तो लोग क्यों पैसा खर्च करेंगे, या पैसा ना भी खर्च हो, बट व्हाई डू पीपल यूज दैट? सो दे शुड बी इफेक्टिव. इट शुड बी रिवर्सिबल. जब वो चाहे, एक बच्चा हो गया अब वो नहीं चाह रहे कि 3 साल तक बच्चा हो, then they should use these contraceptives. 3 साल के बाद जब वो ये contraceptive use करना बंद कर दे, then they should be able to conceive. So they should be reversible. And there should be no or least side effect. वैसे तो कोई साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए, बट अगर होता है तो वो बहुत कम होना चाहिए. Another is, should not interfere with sexual drive. Hormones को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी. Sexual drive और you know sexual desire, etc., etc. Sexual desire is due to hormones, right? So, कोई भी contraceptive है, उसके हमारी body के hormones को नहीं effect होना चाहिए, right? So, then next आ जाता है categories of contraceptives, or you can say methods या categories of processes to prevent conception. वो कौन सी processes है
जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. तो दे कैन बी नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. देन देयर शुड बी फिजिकल बैरियर्स. देन देयर आर सम केमिकल्स, दवाइयां, केमिकल्स एज पिल्स और इंजेक्शन. और लास्ट आ जाता है बेटा सर्जिकल मेथड. ठीक है जी. तो फर्स्ट नोट डाउन दिस, फिर हम आगे चलते. अब बेटा हम इन मेथड्स पे आते हैं. पहले समझना है फिर हम बात करेंगे. नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स में क्या है बेटा कि जब यू नो ओव्यूलेशन तकरीबन हम कहते हैं कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है. बट हम मान के चलते हैं किसी के पहले, किसी की बाद में, किसी का कुछ. तो जो बीच का पीरियड होता है 10th to 17th डे, 1 वीक, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई उसके 10वें से 12वें दिन तक, 10th to 17th डे जो ये है, इस ये पीरियड जो होता है इसमें मैक्सिमम जो है दैट इज कंसीविंग के चांसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं. तो हम कहते हैं दिस इज एब्सटिनेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड. एब्सटिनेंस का क्या मतलब होता है अभी मैं लिखवाऊंगी आपको. एब्सटिनेंस मीन्स इस टाइम पे कॉप्यूलेशन, अगर हम कुछ और नहीं यूज कर रहे, हम नहीं चाहते भी कंसीव भी हो और हम नहीं चाहते कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर हम यूज करें, तो इस दौरान 10th to 17th डे पे आपस में मेटिंग या कॉप्यूलेशन ना करें, देन देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. दूसरा आ जाता है कि लेट अस से कॉप्यूलेशन हो भी रही है बट द मेल पार्टनर डू नॉट रिलीज सीमन इन द विजाइना ऑफ द फीमेल, क्योंकि मेल्स को पता चल जाता है कि अब रिलीज होने वाला है, दे शुड टेक आउट देयर पेनिस आउट सो दैट semen is not released in the vagina. It is called as withdrawal method. Or hum ye kya kehte hai? Coitus interruptus. Aur ek aur proper isme natural method mein ek aur aa jata hai लैक्टेशनल एमिनोरिया. ये माना जाता है कि जब तक एक मदर अपने बच्चे को फीड कर रही है, बच्चा टोटली मदर्स मिल्क पे ही है, तो उस टाइम में ओव्यूलेशन नहीं होती. और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, राइट. तो ये कहा गया है, ये कहते हैं कि जब तक मदर फीड कर रही है तब तक दूसरा बच्चे की होने की कोई यू नो प्रोबेबिलिटी नहीं है. बट दिस इज नॉट मेडिकली प्रूफ, हो भी सकता है. इसलिए सिर्फ ये वाला मेथड बच्चे के होने के बाद 5-6 महीने काम करता है, और वो भी तब जब द फीटस इज या द चाइल्ड इज यू नो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर्स में, ठीक है. 6 महीने के बाद चाहे बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा, बट देयर कैन बी चांसेस ऑफ द यू नो प्रेगनेंसी, ठीक है. तो फर्स्ट आ जाते हैं हम नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स में पहला आ गया
periodic abstinence. What is periodic abstinence? That is no copulation during 10th to 17th day of menstrual cycle. Which is the most crucial time for fertilization? अगर copulation नहीं होगी sperms मिलेंगे नहीं, ठीक है, और इसलिए कोई वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है बेटा विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या है, मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस फ्रॉम विजाइना बिफोर रिलीजिंग सीमेन। In vagina of female. ठीक है, before releasing semen या ejaculation, before ejaculation that is called as, you know, या before insemination, right? In the vagina to prevent, हम कह सकते हैं to prevent insemination। वही बात है, इनसेमिनेशन मीन रिलीज ऑफ सीमन इन द वजाइना ऑफ द फीमेल। ठीक है, उससे पहले पहले इसको विड्रॉ कर लेना, बाहर निकाल लेना। नेक्स्ट आ जाता है बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये कई बार प्लस टू के पेपर्स में आया है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल डूइंग इंटेंस लैक्टेशन। ये साइंस कहती है, नेचर नहीं कहती, जरूरी नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन नो एनएच नो ओव्यूलेशन and thus no fertilization, but this method works only up to maximum of 6 months after childbirth, maximum itna, ठीक है? Therefore, not a sure method.
फूल प्रूफ मेथड ये नहीं है. इज इट ओके? ठीक है जी. सो नेचुरल मेथड्स आर यू नो नो साइड इफेक्ट एज नो केमिकल्स नो मेडिसिन आर यूज फॉर दिस, राइट? तो पहले ये लिख लो नेचुरल मेथड्स. नेक्स्ट वी कम टू योर फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स हम बात कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं बैरियर्स. तो व्हाट आर बैरियर्स? स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट you know, which prevents contact of male and female gametes. जब ये एक दूसरे के contact में, gametes की हम बात कर रहे हैं, egg and sperms, जब ये एक दूसरे के contact में ही नहीं आएंगे, then they cannot fertilize, they cannot fuse with each other. There are two type of barriers. Physical barriers और दूसरे आ जाते हैं chemical barriers also. सबसे पहले physical barriers में क्या आ जाता है? सबसे जो common है, easily available है, user friendly है, these are condoms. ये बने किसके हैं? Formed of rubber या फिर रबर की तरह से ही एक होता है latex. ठीक है जी. There can be, generally जो हमें पता होता है, male condoms और female भी है, female condoms. जो male condoms है are balloon like. Or you can say cap-like, balloon-like ही कहेंगे हम, balloon-like which fits over penis. And during copulation, जो sperms है या semen है, semen is released in condom rather than vagina. Penis है, penis के ऊपर वो rubber like structure है, तो therefore it is, you know, semen is released in the, you know, condoms. For example, सबसे कॉमन जो चलता है आजकल, तो बहुत सारे हैं, बट कॉमनली एग्जाम्पल है निरोध ब्रांड. इसी तरह से इसी में कॉन्डोम्स में ही हम सेकंड बात कर रहे हैं, फीमेल कॉन्डोम इज शीट लाइक. विच कवर्स सर्विक्स
ऑफ यूट्रस, ठीक है, वो सर्विक्स को जो है वो कवर कर देती है, सर्विक्स और वजाइना। सो दैट मेनली सर्विक्स को, सो दैट स्पर्म्स कैन नॉट एंटर इन यू नो यूट्रस। सो दीज आर कंडोम्स। थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटा, कंडोम्स कंसेप्शन तो जो है वो बचाता ही है, बट कंडोम्स ऑल्सो प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज का क्या मतलब होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड एड्स। एड्स भी एक एसटीडी में ही आ जाता है, बट हम अलग भी कह देते हैं, या फिर एसटीआई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एक ही बात है, सच एज गोनोरिया, सच एज साइफिलिस, ये एसटीआई आ जाएंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। और दूसरा एड तो है ही, राइट। एंड फोर्थ है, कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, यूज करो और थ्रो कर दो, ठीक है जी। देन यूज ऑफ कंडोम डज नॉट रिक्वायर मेडिकल एक्सपर्ट, खुद यूज कर सकते हैं, बट कैन बी सेल्फ यूज। दे कैन बी सेल्फ यूज, ठीक है जी। तो इसलिए जो है कंडोम्स जो है वो सबसे ज्यादा बेटर। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिजिकल बैरियर्स में ही। नेक्स्ट है डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम नहीं है, ये डायफ्राम है, एक शीट ही होता है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्व्स, ये सब किसके बने हुए हैं? दीज आर यू नो बैरियर्स मेड ऑफ रबर शीट्स। कहां पे? Inserted in female reproductive system to block the entry of sperm. Right? So these are physical barriers. Condoms तो main है ही है, उसके बाद diaphragms, cervical caps and vaults भी, but ये सब क्या है? ये सब females में use होते हैं। पहले आप physical barriers लिख लो, फिर मैं आपको chemical barriers लिखवाती हूँ। Next we come to your you know chemical barriers, right? Chemical barriers में बेटे दो तरह की चीजें आ जाती है, एक तो आ जाते हैं permicidal creams and jellies and foams
ये किस लिए, ये कौन यूज करता है? और फीमेल्स? ठीक है, दीज आर जनरली, ध्यान से यूज करना, क्या लिखना है ये, दीज आर यूज्ड, खाली नहीं, अलोंग विद फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स टू इंक्रीज देयर एफिकेसी। ठीक है जी, केमिकल बैरियर्स में अगेन हम बात कर रहे हैं, अभी बैरियर्स की बात कर रहे हैं हम, IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जनरली जो है, दीज आर इंसर्टेड, किसमें? इंसर्टेड इन फीमेल। ठीक है, इन देयर यूट्रस थ्रू वेजाइना बाय मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस ये इंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग, एंड रिमेन फंक्शनल फॉर मेनी इयर्स। कई सालों तक जो है ये हम, मेरा मतलब एक बार डाल दी तो दीज आर यूज्ड टू स्टॉप कंसेप्शन या टू डिले कंसेप्शन फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, ये कैसे कैसे मिलते हैं? दीज कैन बी नॉन मेडिकेटेड IUDs, सच एज लिप्स लूप। ठीक है, ये IUD है जिसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स तो ऑब्वियसली है, बट वो केमिकल्स एज सच मेडिसिन में नहीं यूज होती। अनदर इज कॉपर रिलीजिंग, कॉपर जो होता है वो स्पर्मिसाइडल भी होता है। कॉपर रिलीजिंग IUDs सच एज कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टी लोड 375, ये नाम है बेटा, ये ब्रांड नेम चाहिए। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड है, लिप्स लूप केमिकल है बट नॉट द मेडिसिनल केमिकल। अनदर इज कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर सेवन या फिर मल्टी लोड 375। और तीसरा आ जाता है बेटा स्टीरॉयडल, अनदर इज हॉर्मोन रिलीजिंग या स्टीरॉयडल हम कह सकते हैं, हॉर्मोन रिलीजिंग IUD। एग्जाम्पल आ जाती है प्रोजेस्टास्टेरोन,
another is LNG20. तो ये तीन टाइप की IUDs है, दोबारा बता रही हूँ, नॉन मेडिकेटेड IUDs, कॉपर रिलीजिंग IUDs एंड तीसरा है हॉर्मोन रिलीजिंग, हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs, ठीक है। तो IUDs का फंक्शन क्या है, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। वर्किंग ऑफ IUDs, तो फर्स्ट है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब है, किलिंग एंड डाइजेस्टिंग, ठीक है। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, सेकेंड जो है कॉपर रिलीजिंग जो है, कॉपर डिक्रीजेस या कॉपर इन एडिशन हम कह सकते हैं, कुछ को तो मार दिया, कुछ को और क्या किया, इन एडिशन डिक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। Thus, reducing fertilization chances. और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट अस से फर्टिलाइजेशन हो भी गई, जनरली हम बात करते हैं ये जो हॉर्मोन रिलीजिंग है, हॉर्मोन रिलीजिंग IUD मेक्स यूट्रस इनकंपैटिबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो नॉन मेडिकेटेड IUDs है, कॉपर रिलीजिंग IUDs है, ये कैसे काम करती है, दे एक्ट बाय किलिंग द स्पर्म्स और रिड्यूसिंग देयर मोटिलिटी, वेयर एज द हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs मेक्स यूट्रस इनकम्पैटिबल और नॉन सुटेबल, आप कह सकते हैं अनसुटेबल फॉर implantation also, right? So these are IUDs, ठीक है। तो जो लोग अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं और जो लोग बार बार, हम कहते हैं बार बार स्पर्मिसाइडल जेली लगाओ, बार बार कंडोम्स यूज करो, है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने IUDs की भी, हमने दो बच्चों के बीच में गैप करना है या हमने अभी बच्चा नहीं करना है, दो साल बाद एक साल बाद करना है, तो IUDs आर द बेस्ट ऑप्शन, इज इट ओके, ठीक है, करो नोट।